राहन रहीम क्लास आजम चैप्टर चैप्टर ट्वेल्व। जीवमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम है ए कंकेव मिरर है जिसका रेडियस स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ इट सेंटीमीटर। एक स्मॉल बॉय है जिसकी हाइट नाइनटी सेंटीमीटर है और वो उस मिरर के सामने खड़ा है टेन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फाइंड लोकेशन, नेचर मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज तो उस इमेज की लोकेशन यानी कि मिरर से डिस्टेंस कितना है नेचर क्या है मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है तो डाटा में सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज गिवन है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ रेडियोसर गिफ्टीन सेंटीमीटर इसके बाद स्मॉल बॉय ऑफ हाइट अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ठीक है स्मॉल बॉय ऑफ ऑफ हाइट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट मिरर तो ये स्मॉल बॉय क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको हम डिनोट करते हैं एच ओ से तो एच ओ आ जाएगा 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट 10 सेंटीमीटर अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है तो डी ओ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर फाइंड द लोकेशन यानी के इमेज का डिस्टेंस मिरर से तो डी आई आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो पुरानी बुक थी आपकी उसमें पी क्यू पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था और क्यों इमेज डिस्टेंस था यहां पर जो न्यू नेशनल बुक की बुक है उसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको डी फॉर डिस्टेंस ओ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डी ओ से और इमेज डिस्टेंस को डी आई से डिनोट किया है तो इसकी हमने नेचर कैलकुलेट करनी है मैग्निफिकेशन एम कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ दी इमेज एच आई कैलकुलेट करना है तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला जो है सबसे पहले हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फोकल लेंथ की जरूरत होगी तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू इसमें फिफ्टीन बाई टू तो एफ इक्वल आ जाता है 7.5 सेंटीमीटर मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करें तो आपको जो डाटा गिवन हो उसको एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपने डाटा को एस आई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना हाँ जहाँ पर आपने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट uh, करनी होती है पावर uh, कैलकुलेट करनी होती है वहां पर फोकल लेंथ मीटर्स में रिक्वायर्ड होती है तो उस फोकल लेंथ को मीटर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे जहां पे पावर कैलकुलेट करनी होगी अदरवाइज बाकी हर जगह पर ये वैल्यू सेंटीमीटर में ही रहेगी तो ये हमारे पास फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर आ गई अब इसकी मदद से हम डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जो पुरानी बुक में फार्मूला था 1/f 1/p 1/q वो न्यू बुक में 1/f 1/d o 1/d i है वहां पे p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था यहां पे d o ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वहां पर q डिस्टेंस डिस्टेंस था और यहां पे आई है ये लेकिन में ये कहीं फार्मूला देखें तो ऐसा ना हो कि उनके जेहन में आए कि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं है तो उनको दोनों फार्मूल से फेमिलियर होना चाहिए अब हमने क्या करना है इसमें डी आई कैलकुलेट करना था तो डी आई वन ओवर डी आई इधर ही रहेगा डी ओ वन ओवर डी ओ जब दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि किलकुलेट किया सेवन पॉइंट फाइव माइनस वन ओवर डी ओ की वैल्यू हमारे पास है टेन इसका एल्शियम ले लेंगे एल्शियम हमारे पास आ जाएगा सेवनटी फाइव तो ये टेन माइनस सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो ये आ जाता है हैन ओवर डी आई इक्वल टू ये टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई जाएगा हमने डी आई कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी कि डी आई इक्वल टू तो डी आई आ जाता है हमारे पास थर्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट हमने नेचर बतानी है नेचर एंड पे बताएंगे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू डी आई ओवर डी ओ ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो एम इक्वल आ जाता है डी आई की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है टेन डिवाइडेड बाय डी ओ की वैल्यू हमारे पास गिवन है टेन डी आई थर्टी कैलकुलेट की और डी ओ की वैल्यू टेन है तो एम इक्वल आ जाएगा थ्री इसका कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस था नीचे भी डिस्टेंस है तो इनका जो यूनिट है वो आपस में कैंसिल हो जाता है तो इस वजह से यहां पर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता तीसरी चीज आ जाती है एच आई हाइट ऑफ द इमेज तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच ओ ओवर एच आई इक्वल टू डी ओ ओवर डी आई ये क्या है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इक्वल टू रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज तो एच आई कैल्कुलेट करना है ये हमारे पास हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी नॉट एच आई इक्वल टू एच डी आई एच नॉट ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां से एच आई कैलकुलेट करना है तो डी नॉट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा यानी कि एच आई इक्वल टू डी आई एच ओ ओवर डी ओ इसमें वैल्यू स्पुट कर देंगे एच आई इक्वल आ जाएगा डी आई की वैल्यू कैलकुलेट की थी थर्टी इन टू एच ओ की वैल्यू हमारे पास है गिवन है नाइन्टी डिवाइडेड बाई डी ओ की वैल्यू भी गिवन है टेन तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास टू सेवनटी सेंटीमीटर आ जाता है लास्ट चीज नेचर रह गई है तो जो ऑब्जेक्ट इमेज नेचर हमारे पास होगी इमेज रियल होगा और इनवर्टेड होगा ठीक है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अब, डिस्टेंस था ना ऑब्जेक्ट की हाइट थी 90 सेंटीमीटर थी तो यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज हाइट कितनी आई है टू सेवेंटी मीटर यानी कि लार्ज हो गया है ठीक है और दूसरा मैग्निफिकेशन कितनी थ्री टाइम्स आई है इसको वैसे भी देखें ना तो ये थ्री टाइम्स मैग्निफिकेशन आ रही है इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ए सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ सिक्स सेंटीमीटर एक फाइव सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल है यानी कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट बताई गई है प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कन्वेक्स मिरर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है और मिरर कौन सा यूज किया जा रहा है कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की 6 सेंटीमीटर गिवन है फाइंड लोकेशन नेचर मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज लोकेशन कैलकुलेट करनी है नेचर मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ द इमेज तो डाटा हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले कैंडल की हाइट यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ फाइव सेंटीमीटर गिवन है

वो अगर आपको आते हैं तो उनकी मदद से आप ये इजीली देख सकते हैं कि कौन सी हमने वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है और कौन सी नेगेटिव तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज यानी कि एच आई कैलकुलेट करना है नेचर ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है मैग्निफिकेशन एम कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ द इमेज एच आई कैलकुलेट करना है तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ जहां पर गिवन है तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मदद से हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला की मदद से ओवर डी ओ प्लस तो ये हमारे पास वन ओवर डी आई डी आई कैलकुलेट करना है तो इसको एक तरफ कर लिया ये उस तरफ जाकर सब्रैक्ट हो जाएगा वन ओवर डी आई इक्वल टू वन ओवर एफ माइनस वन ओवर डी ओ यानी ओवर ओवर फोकल लेंथ है तो इसका एल्सियम ले लेंगे लेने से पहले ये जो माइनस है इसको बाहर लिख देते हैं माइनस वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर ट्वेल्व आ जाता है तो इसका एल्सियम हम हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व और ऊपर सिक्स टू जार ट्वेल्व तो माइनस टू और ट्वेल्व तो वन झार ट्वेल्व तो माइनस वन ऊपर आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस यहां पर यूज हुए हैं ठीक है तो ये माइनस थ्री ओवर ट्वेल्व आ जाता है डी आई कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे डी आई इक्वल आ जाएगा माइनस ट्वेल्व ओवर थ्री के यानी कि डी आई इक्वल टू माइनस फोर सेंटीमीटर ये इमेज डिस्टेंस आ गया नेक्स्ट मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो एम इक्वल आता है माइनस डी आई ओवर डी ओ के माइनस साइन क्यों लिया क्योंकि ये हमारे पास यूज हुआ था कन्वेक्स मिरर तो जो कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होती है एम इक्वल टू माइनस डी आई ओवर डी ओ इसमें वैल्यू स्पुट करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन आ जाती है जीरो पॉइंट ट्रिपल थ्री ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास ट्वेल्व था और इमेज डिस्टेंस फोर आया डिक्रीज हुआ है ना जो हाइट है वो डिक्रीज हुई है अच्छा इसके बाद हमारे पास है इमेज। तो दी दी आई है ये कन्वेक्स हुआ है तो तो ये हुआ उसके लिए के साथ माइनस आता है तो एच ओ ओवर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एच आई कैलकुलेट करना है तो एच आई एक तरफ रहेगा और ये डी नॉर्थ तो उधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस में हम वैल्यू एच आई इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू डी आई की वैल्यू माइनस फोर इन टू एच ओ की वैल्यू फाइव की वन है इमेज आ, तो आ जाती है हाइट ऑफ दाइव थी हाइट ऑफ द इमेज सिक्स सेवन ये भी डिक्रीज हुई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वेल्व था यहां पे डिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचर है इमेज की वो वर्चुअल है इरेक्ट है और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है ठीक है जब हमारे पास इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है और हाइट डिक्रीज हुई है पहले फाइव थी और इमेज इमेज हाइट वन पॉइंट सिक्स आई है तो इसका मतलब यह है कि ये स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है ए गर्ल इज स्टैंडिंग नियर कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एक गर्ल है और वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट इनवर्टेड एंड थ्री टाइम्स इन लार्ज डेमेज इसको कहां पर खड़ा होना चाहिए एक रियल इनवर्टेड और थ्री टाइम्स इन लार्ज डेमेज बनाने के लिए और बी ऑप्शन वर्चुअल इरेक्ट एंड टू टाइम्स डायमेंश इमेज बनाने के लिए तो डाटा में हमारे पास ये है कि गर्ल स्टैंड कर रही है एक मिरर के सामने कन्वर्जिंग मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है वेयर शुड शी स्टैंड यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए जब रियल इन्वर्टेड एंड थ्री टाइम्स इन इमेज थ्री टाइम्स इन इमेज का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज हाइट है वो थ्री टाइम्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट हाइट होनी चाहिए यानी कि टू तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे हमने जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी में कैलकुलेट करना है तो इसके लिए टू टाइम्स डायमे यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट तो ये आ जाता है एच ओ इक्वल टू टू एच आई यानी कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो इमेज हाइट का हाफ है ठीक है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज हाइट से की डबल है एक मिनट ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं एच ओ इक्वल टू टू एच आई यानी कि अगर इमेज हाइट हमारे पास थ्री है तो ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास कितनी आ जाती है इसकी डबल आ जाती है तो ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास डबल होनी चाहिए इमेज से इमेज स्मॉलर होना चाहिए ना टू टाइम्स तो इसीलिए इमेज है तो ये एच ओ है टू के अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले ए पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं ए पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हमारे पास डी ओ कैलकुलेट करना है तो डी आई की वैल्यू होनी चाहिए ठीक है तो एच ओ ओवर एच आई होता है डी ओ ओवर डी आई के एच ओ ओव एच आई ओवर एच ओ की वैल्यू थ्री है तो एच ओ ओव एच आई की वैल्यू वन ओवर थ्री हो जाएगी इक्वल टू यानी कि इसके रेसिप्रोकल की डी आई इक्वल आ जाता है थ्री डी ओ के ठीक है आई डिस्टेंस इक्वल टू थ्री ऑफ दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे जो मिरर फार्मूला है इक्वल इक्वल टू टू प्लस प्लस यानी कि की थ्री डी ओ पुट कर दिया इसका एल्शियम आ जाएगा थ्री डी ओ तो एल्शियम को ऊपर हमारे पास आ जाएगा ये डी ओ डी ओ से कैंसल तो थ्री वन से मल्टीप्लाई होके थ्री प्लस थ्री डी ओ मौजूद है तो ऊपर प्लस वन आ जाएगा 1 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थ्री डी ओ इक्वल टू फोर एफ डी ओ इक्वल आ जाता है फोर एफ ओवर थ्री के यानी कि फोर इंटू फिफ्टीन ओवर थ्री फोकल लेंथ फिफ्टीन की वन थी तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके डी आ जाता है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ये डी आ जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर डी ओ तो ये एक कैलकुलेट हो गया दूसरा हमारे पास है कैलकुलेट करना है तो दूसरे के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास जो वर्चुअल इरेक्ट और डायमेस्ड इमेज है वो कनकेव कव मिरर की मदद से फॉर्म नहीं हो सकता कन्वर्जिंग मिरर की मदद से फॉर्म नहीं हो सकता कभी भी ठीक है अब कन्वर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर की सूरत में होता क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर देन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेजेस फॉर्मड फॉर रेस्ट ऑफ द पोजीशंस रियल इमेजेस फॉर्म यानी कि वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में बनता है इसमें कंडीशन वर्चुअल इमेज बताई गई है ना तो वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में बनता है जब फोकस और पोल के में हो ऑब्जेक्ट ठीक है तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनता है अब वर्चुअल तो ठीक है इरेक्ट भी ठीक है तो मैग्निफाइड इमेज बनता है अगर यहां पे मैग्निफाइड इमेज होता तो कैलकुलेट हो सकता था डायमे इमेज है तो वो पॉसिबल ही नहीं होता ठीक है अगर मैग्नीफाइड इमेज आता है तो फिर ये वाली इक्वेशन जहां से चेंज होगी फिर यह कैलकुलेट हो सकता है तो इस केस में यह इमेज फॉर्म ही नहीं हो सकता इस वजह से इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसके बाद फोर नंबर नोमरिकल है लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन बाई थ्री एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री लाइट रे है जो एयर से वाटर में एंटर हो रही है एंगल थर्टी डिग्री पे इंसिडेंट एंगल फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन वाटर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाटर में कैलकुलेट करना है इफ दी लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर इसका ऑपोजिट हो जाए वाटर टू एयर हो जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्टी डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर कैलकुलेट करना है दोनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सिर्फ कंडीशन चेंज की गई है एक में रे एयर से वाटर में एंटर हो रही है और दूसरे में वाटर से एयर में एंटर हो रही है और एंगल चेंज है एंगल चेंज है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा इस केस के लिए एन फोर बाय थ्री है तो इसके लिए थ्री बाई फोर होगा तो डाटा हम नोट करते हैं सबसे पहले एन वन दो एन एक केस के लिए एक केस यहाँ तक नोमेरिकल है और दूसरा यहाँ तक है ठीक है तो एन वन फोर बाई थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री के इक्वल होता है एंगल थीटा वन हमारे पास थीटा न, एंगल आई वन इक्वल टू थर्टी डिग्री आ गया इंसिडेंट एंगल है ना और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो एंगल आर वन कैलकुलेट करना है लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू थ्री बाय फोर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल एयर से वाटर में गई थी तो फोर बाय थ्री था वाटर से एयर में जाएगी तो थ्री बाय फोर हो जाएगा ये इक्वल होता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव के तो एंगल ऑफ आई टू फोर्टी डिग्री वन फोर्टी डिग्री के माना है ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला है एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है तो इसमें साइन आर इक्वल आ जाता है साइन आई ओवर एन के हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस वजह से तो इसका मतलब यह है वन के लिए फर्स्ट केस के लिए साइन आर वन इक्वल टू साइन आई वन ओवर एन वन आ जाएगा यानी आ जाएगा साइन आई वन की वैल्यू थर्टी ओवर एन वन की वैल्यू थर्टी जीरो करते हैं तो साइन आर वन इक्वल आ जाता है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव के यानी के आर वन इक्वल टू साइन इन वर्स जीरो आर तो वन की वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी टू डिग्री ठीक है ये इस केस में जब एयर से वाटर में लाइट एंटर हुई थी तो उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी टू डिग्री अब दोबारा यही प्रोसीजर करेंगे ये जो साइन आर वन इक्वल टू साइन आई वन ओवर एन वन था अब साइन आर टू इक्वल टू साइन आई टू ओवर एन टू आ जाएगा ये इस केस से इस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला था ना तो अब इसमें हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं आर टू की वैल्यू फोर्टी के वन है डिवाइडेड बाय एन टू पॉइंट सेवन फाइव तो ये साइन आर टू इक्वल आ जाता है साइन आर टूल टू पॉइंट एट फाइव थ्री आर टू इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.853 जीरो पॉइंट एट फाइव थ्री तो ये आर टू इक्वल आ जाता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री के इसके बाद प्रॉब्लम नंबर फाइव है लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम कोर लाइट रे इंसिडेंट करती है कोर से जिसका रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स 1.42 है cladding cladding है क्लैडिंग क्लैडिंग तक का 1.33 ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे फाइंड द मिनिमम एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मिनिमम एंगल जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस एंगल पे टेक प्लेस होती है जिस इंसिडेंट एंगल पे उस एंगल को आ, क्या कहते होते हैं ना, जिस एंगल पे 90 डिग्री पे बेंड कर जाए उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं तो क्रिटिकल एंगल से जो भी ग्रेटर एंगल आएगा वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही प्रोड्यूस करेगा तो हम बेसिकली अगर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट विल बी दंसर तो डाटा में हमारे पास एन वन इसको क्या देते हैं 1.42 और N2, है दो रिफ्लेक्टिव मिनिमम एंगल थीटा कैलकुलेट करना है तो इसका सोलूशन हमारे पास है कि साइन थीटा इक्वल टू एन वन जो साइन थीटा है वो रेशो इक्वल होता है यानी कि साइन थी तो ये आ जाता है थीटा टू टेन तो इनवर्स जीरो पॉइंट नाइन थ्री सिक्स इसका साइन इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 69.4 डिग्री इसके बाद प्रॉब्लम नंबर सिक्स है ए बॉय इज लुकिंग एट ए पेन थ्रू अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एक बॉय है जो पेन पे देख रहा है एक कनकेव लेंस की मदद से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है व्हाट इज पावर ऑफ लेंस उस लेंस की पावर क्या होगी पेन इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है पेन टेन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है कंकेव लेंथ से तो लोकेशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है तो डाटा में हमारे पास क्या है फोकल लेंथ गिवन है कंकेव लेंस की एफ इक्वल टू माइनस टेन सेंटीमीटर आएगा क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने पावर कैलकुलेट करनी है इन फर्म इन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जस्ट पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ हमें मीटर में रिक्वायर्ड होती है बाकी हर जगह पे जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर के साथ ही पुट कर दिया करेंगे पेन इज एट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव लेंस यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ टेन सेंटीमीटर है और यहां पे क्या पर कहा गया था वट इज पावर ऑफ लेंस तो पावर कैलकुलेट करनी है फाइंड देशन डी आई एंड नेचर ऑफ द इमेज तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए पी इक्वल होती है वन ओवर एफ के यानी कि पी इक्वल टू वन ओवर फोकल जीरो पॉइंट वन माइनस के साथ तो पावर आ जाती है माइनस टेन डी नेक्स्ट मिरर लेंस फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करना है तो वन ओवर डी आई इक्वल आ जाता है वन ओवर एफ की वैल्यू हमारे पास है माइनस टेन माइनस वन ओवर डी ओ की वैल्यू है टेन तो ये आ जाता है ओवर हैल्शियम आ जाएगा तो माइनस वन माइनस वन यानी कि माइनस टेन ओवर फाइव के यानी कि डी आईवल टू फाइव सेंटीमीटर माइनस फाइव सेंटीमीटर अब ये में डिस्टेंस नेगेटिव क्यों आया है क्योंकि कनकेव लेंस यूज किया गया है अब इस इमेज की नेचर क्या होगी तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा था इमेज डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह डेमेस्ड बनेगा वर्चुअल होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है और यह इरेक्ट होगा सिक्स के बाद सेवन प्रॉब्लम है कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ लेंथी सेंटीमीटर है तो पावर कैलकुलेट करनी है की। तो डाटा में हमारे पास फोकल लेंथन इक्वल टू टेन सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ये की है। की तो फाइंड पावर ऑफ दें पावर यानी कि पी वन इस फोकल लेंथ के लिए और पी टू इस फोकल लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी वन इक्वल टू वन ओवर एफ वन फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है तो पी वन इक्वल आ जाएगा वन ओवर एफ वन की वैल्यू पॉइंट वन है पी वन इक्वल आ जाता है टेन डी के 10 डायोप्टर इसी तरह जब पी टू कैलकुलेट करेंगे तो पी टू इक्वल टू वन ओवर एफ टू यानी कि पी टू इक्वल टू वन ओवर माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव तो ये पी टू आ जाता है माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डी के डा डी फॉर डाइप्टर है ये इसका यूनिट है पावर का इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर टेन डी एक ऑब्जेक्ट है जिसको कन्वेक्स लेंस से थोड़े डिस्टेंस पे रखा गया है और उस लेंस की पावर टेन डी है फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए जब थ्री टाइम्स रियल इमेज फॉर्म हो और थ्री टाइम्स वर्चुअल इमेज फॉर्म हो तो हम इसमें डाटा में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का हमारे पास पावर केव है लेंस का p इक्वल टू टेन डी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ कैलकुलेट करना है जब इमेज थ्री टाइम्स रियल यानी यानि एच आई इक्वल हो थ्री एच ओ के इमेज थ्री टाइम्स ऑब्जेक्ट थ्री टाइम्स रियल इमेज थ्री टाइम्स रियल इमेज का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थ्री टाइम्स हो तो ये ऑब्जेक्ट हाइट थ्री टाइम्स ऑफ दी इमेज हाइट थ्री टाइम्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ से एच आई ओवर एच ओ इक्वल आ जाता है थ्री के इसी तरह बी पार्ट में डी ओ कैलकुलेट करना है जब थ्री टाइम्स वर्चुअल इमेज फॉर्म हो यानी कि जस्ट कंडीशन यही रहेगी माइनस आ जाएगा साथ नेगेटिव होती है इसमें इमेज हाइट सोल्यूशन देखते हैं इसका अब पावर हमारे पास होती है वन ओवर एफ़ के जाहिर सी बात है पावर की मदद से हम पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे फिर वो फोकल लेंथ यूज़ करेंगे लेंथ फार्मूला में और उसकी मदद से डी ओ कैलकुलेट करेंगे तो पी इक्वल आ गया वन ओवर पी के एफ़ इक्वल आ गया वन ओवर पी के हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इस वजह से एफ को एक तरफ कर लिया एफ इक्वल आ जाएगा वन ओवर पी की वैल्यू टेन है यानी कि एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मीटर इसके बाद हम क्या करेंगे इसका लेंस फार्मूला यूज करेंगे इसको अगर हम कन्वर्ट कर लिखे सेंटीमीटर की फॉर्म में तो एफ टू तो टेन सेंटीमीटर है क्योंकि जस्ट पावर के लिए हमें मीटर में वैल्यू चाहिए होती है बाकी हर जगह पर इस चैप्टर में किस में वैल्यू चाहिए होती है सेंटीमीटर में तो अब हम मिरर लेंस फार्मूला यूज करते हैं ए पार्ट के लिए ए पार्ट बल्कि अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसमें इसमें हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस तो एच तो ओवर ओव एच आई इक्वल टू डी ओवर डी आई के एच ओ ओवर एच आई एच आई ओवर एच ओ थ्री के इक्वल था तो एच ओ ओवर एच आई वन ओवर थ्री के इक्वल होगा ये इक्वल आ जाएगा डी ओ ओवर डी आई के ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी आई इक्ल टू थ्री डी ओ एम एच डिस्टेंस इक्वल टू थ्री ऑफ दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो अब हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे वन ओवर एफ एक डी ओ प्लस वन ओवर डी आई डी आई की जगह पर थ्री डी ओ पुट कर दिया इसका एल्सियम लेंगे हम थ्री डी ओ एल्सियम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा डी ओ डी ओ से कैंसल थ्री बच जाता है थ्री वन जर थ्री प्लस ये थ्री डी ओ नीचे मौजूद है तो ऊपर प्लस वन आ जाएगा यानी कि वन ओवर एफ थ्री डी ओ यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री डी ओ इक्वल आ जाता है फोर एफ के डी ओ इक्वल आ जाता है फोर एफ बाई थ्री यानी कि फोर इंटू एफ की वैल्यू टेन है डिवाइडेड बाई थ्री तो जो फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री हमारे पास आंसर आ जाएगा डी ओ का थर्टीन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ये ए पार्ट हो गया अब बी पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं तो बी पार्ट के लिए हमारे पास है सेम डाटा और स्टेटमेंट कैलकुलेट नोट कर ली तो पावर इक्वल होती है वन ओवर एफ़ के पावर वन ओवर पी के यानी कि एफ़ एक इक्वल टू वन ओवर टेन तो ये हमारे पास फोकल लेंथ जीरो पॉइंट वन मीटर आ जाती है यानी कि टेन सेंटीमीटर तो इसके सोल्यूशन में जो बी पार्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो यही फार्मूला जो उसमें यूज़ किया था इसमें जस्ट क्या होगा नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा ठीक है एच ओ की वैल्यू एच आई की जो वैल्यू है एच ओ ओवर एच एच आई ओवर एच ओ माइनस थ्री था तो ये वन ओवर माइनस वन ओवर थ्री आ जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डी आई इक्वल आ जाता है माइनस थ्री डी ओ के यानी कि ये हमारे पास एम डिस्टेंस आ गया नेगेटिव ऑफ़ दी द्री टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो अब लेंस फार्मूला यूज किया वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर डी ओ प्लस वन ओवर डी आई तो इसमें हमने डी आई की जगह पर माइनस थ्री डी ओ पुट कर दिया तो ये माइनस वन ओवर थ्री डी ओ आ जाता है यानी कि वन ओवर एफ इक्वल टू एलसीम लिया थ्री डी ओ के तो डी ओ इससे मल्टीप्लाई होगा डी ओ डी डू ओ से कैंसिल तो थ्री माइनस वन बाई थ्री यानी कि टू बाई फोर टू बाई थ्री डी ओ आ जाता है तो इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे एफ इक्वल आ जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई लें थ्री डी ओ इक्वल टू टू एफ तो डी ओ इक्वल आ जाता है टू एफ ओवर थ्री के इसको डिवाइड करेंगे एफ की वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू हमारे पास टेन है ये थी तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं डी ओ की वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी ओवर थ्री के तो ये हमारे पास फाइनल आ जाता है डी ओ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें थैंक यू